इस साल चुनाव जायज़ तरीके से नहीं कराए गए। अगर तुमने जायज़ तरीके से खेला होता तो तुम जीत गए होते। अगर तुम ईमानदारी से खेल नहीं खेल सकते तो हम दोबारा नहीं खेलेंगे। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं जायज़ तरीके से। जायज़ तरीके से यानी ईमानदारी तरीके से, यानी कोई छल कपट नहीं है। सो इस प्रकार की फ्रेज को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार की फ्रेज को हम इंग्लिश में लिखते हैं फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं, इसके बाद फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने जायज़ तरीके से खेला होता तो तुम जीत गए होते। यू वुड हैव वन इफ यू हैड प्लेड फेयर एंड स्क्वायर, यू वुड हैव वन इफ यू हैड प्लेड फेयर एंड स्क्वायर। अगर तुम ईमानदारी से खेल नहीं खेल सकते तो हम दोबारा नहीं खेलेंगे। इफ यू कैंट प्ले द गेम फेयर एंड स्क्वायर, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले अगेन। If you can't play the game fair and square, we are not going to play again. उसे ये जॉब जायज तरीके से नहीं मिली। He did not get this job fair and square. He did not get this job fair and square. ये ही जायज तरीका है इसे करने का। This is the only fair and square way of doing it. This is the only fair and square way of doing it.